हेलो स्टूडेंट्स, आयुष घोटाले में आपको पता है जांच चल रही है। करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जब उनसे इंटरोगेट किया गया तो इंटरोगेशन के बाद एसटीएफ ने रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट में ये बात निकल के सामने आ रही है कि कुलदीप वर्मा जो V3 सॉल्यूशन, जो कि एक तरह की आउटसोर्सिंग कंपनी थी और काउंसलिंग को वो कंडक्ट करा रही थी, उसी के हाथ में काउंसलिंग का पूरा लगभग काम धाम दे दिया गया था। उसने ये कबूला है कि इस पूरे घालमेल में जो डायरेक्टर एसएन सिंह हैं, जो कि इस समय सस्पेंडेड चल रहे हैं, और नोडल अधिकारी उमाकांत यादव के साथ मिलकर के उसने घालमेल किया है। कुलदीप वर्मा ने इंटरोगेशन में ये भी कबूला कि इस पूरे घालमेल में एसएन सिंह और उमाकांत यादव पूरी तरह से लिप्त हैं। यहां तक कि काउंसलिंग से पहले ही यह तय कर लिया गया था कि किस स्टूडेंट को कौन सा आयुष कॉलेज मिलेगा, मेडिकल कॉलेज मिलेगा। इस लेवल पे घालमेल हुआ है। उसके बाद वहां का जो वित्त लिपिक है राजेश कुमार, वो भी उसमें शामिल था। इन लोगों ने मिलकर के स्टूडेंट्स को कॉलेज में बुलाया और उनको ऑफर दिया कि आप अगर सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो आप 3 लाख से लेके 5 लाख रुपए, इवन कुछ स्टूडेंट्स से तो 5 लाख वसूले भी गए, 5 लाख रुपए आप जमा करें आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। यहां तक कि प्राइवेट कॉलेज के लिए यह रकम लगभग 2 लाख रुपए वसूली गई और सरकारी कॉलेज के लिए 3 लाख से 5 लाख तक वसूली गई। जिन विद्यार्थियों के पास डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, वो एलिजिबल नहीं थे, उनके डॉक्यूमेंट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए अलग से पैसे लिए गए। मतलब सब कुछ हो रहा था, मतलब आप आओ, पैसा दो, एडमिशन लो, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट की चिंता मत करो, वो सब वही चोर बनवा लेंगे, सब महाचोर। मेडिकल में जो हमारे समाज के स्वास्थ्य को देखते हैं, उसमें अगर अयोग्य लोगों की भर्ती होगी तो कहां जाएगा हमारा सोसाइटी, कहां सोसाइटी जाएगी हमारी। लेकिन नहीं हो रहा है। इस घोटाले के दिन प्रतिदिन नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि स्टेट गवर्नमेंट कहां है। स्टेट गवर्नमेंट जो इतना ज्यादा हो हल्ला करती है कि हमारे वहां किसी भी तरह का घूसखोरी घपला नहीं है, ये आयुष घोटाला क्या है, क्या ये घपला नहीं है? तो स्टेट गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इसमें सीबीआई जांच बैठाए, क्योंकि अगर सीबीआई जांच बैठती है तो निश्चित रूप से इसमें सफेदपोश नेता और बहुत ऊंचे अधिकारी भी शामिल होंगे, क्योंकि इस खेल में सिर्फ एसएन सिंह, उमाकांत यादव और कुलदीप वर्मा जैसे प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसी के लोगों का ये काम नहीं है। ये काम काफी ऊंचे दर्जे के, काफी ऊंचे लेवल पे हो रहा है। जिन कॉलेजेस में इस तरह के घपले पाए गए हैं, इस तरह के फर्जी एडमिशन पाए गए हैं, उन कॉलेजेस की जांच पिछले 10-5 साल में भी जाके पीछे कराई जाए, क्योंकि ये घोटाला आज का नहीं है, ये लगता है कि बहुत दिनों से चल रहा है। तो अगर जांच पीछे के जाकर के 8-10 साल की कराई जाएगी तो कुछ नया निकलेगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।